मैं जाऊंगी शिवेंद्र के पास, वो जयपुर से लगातार बने हुए। शिवेंद्र आप कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें जरा दिखाएं और बताएं कैसी स्थिति, कैसी तस्वीर आज दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत रियायतों के बाद। देखिए दीपा, मैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो मुख्यालय है ज्योति नगर में, उसके बाहर हूँ और वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। जो अधिकारी हैं उनका पहुँचना शुरू हो गया है। हालांकि जब से सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड को दी थी, तब से हाउसिंग बोर्ड का दफ्तर खुल रहा था। कमिश्नर पवन अरोड़ा भी आ रहे थे, लेकिन आज कुछ और अधिकारी पहुँचेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको हाउसिंग बोर्ड से दिखाएंगे, वो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जितने भी यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी आ रहे हैं, उनका सभी का तापमान चेक किया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और ये इंश्योर करने के बाद ही उनको अंदर भेजा जा रहा है कि उनका जो तापमान है वो अंदर जाने योग्य है या नहीं है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड अभी तक ऐसा पहला संस्थान मुझे दिखाई पड़ता है दीपा, जहाँ अपने आने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मुफ्त में मास्क दिए जा रहे हैं। जितने भी कर्मचारी, उनको दो फेस मास्क दिए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को ये सैनिटाइज़र भी वितरित किए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो राजस्थान में बने हुए हैं सैनिटाइज़र, स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स में, वहाँ के जो ये सैनिटाइज़र हैं वो दिए जा रहे हैं। और इसको देने के बाद ये इंश्योर भी किया गया है कि जब ये खाली हो जाए तो इसको रिफ़िल करने की व्यवस्था भी हाउसिंग बोर्ड करेगा। तो अब देखिए कि कितनी सुरक्षा के साथ और किन मानकों के साथ हाउसिंग बोर्ड का दफ्तर आज से खुल रहा है। खुद जो कमिश्नर है पवन अरोड़ा, उन्होंने कल शाम को निर्देश दिए थे तमाम अधिकारियों को कि ये इंश्योर कर लिया जाए कि दफ्तर खुलने से पहले हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र हो, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मास्क हो और सभी जो अधिकारी और कर्मचारी आज ऑफिस आए उनकी स्क्रीनिंग हो, उनका तापमान चेक किया जाए। बाकायदा जो मुख्य द्वार है उसका, उसके बाहर हेल्प डेस्क लगाई गई है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। आप देखिए इस हेल्प डेस्क से सभी जो लोग हैं उनको पहले रोका जा रहा है, मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र दिया जा रहा है। और ये आप तस्वीर देखिए, ये राजस्थान हॉस्पिटल जो है जयपुर में, उसके सहयोग से स्क्रीनिंग की जा रही है लोगों का, जो तापमान है वो चेक किया जा रहा है। देखिए हम तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, कुछ कर्मचारी आए हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और उनको सैनिटाइज़र दिए भी जा रहे हैं। तो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आज शुरुआत हुई है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस की। और अब से थोड़ी देर में हाउसिंग बोर्ड के जो कमिश्नर हैं पवन अरोड़ा, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और हाउसिंग बोर्ड में, जैसा मैंने कहा कि दफ्तर खुलने लगा था जब से सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने की जिम्मेदारी नायला और महिला में दी थी, लेकिन आज से विधिवत रूप से, क्योंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ है, कुछ ऑफिसेज खुल सकते हैं और उन ऑफिसेज में हाउसिंग बोर्ड भी है, जो सीमित अधिकारियों के साथ, जिस लेवल के अधिकारियों के निर्देश सरकार से मिले हैं उन अधिकारियों और कर्मचारियों को ही आज दीपा हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में बुलाया गया है। क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद सारे मुख्यालय हैं, सारे ऑफिस हैं, हाउसिंग बोर्ड ही काफ़ी दिनों से बंद था, कामकाज प्रभावित है। और हाउसिंग बोर्ड वो ऑर्गेनाइजेशन था जो कोरोना से पहले प्रदेश में सबसे अधिक गति से काम कर रहा था, खूब ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित कर रहा था और जो स्कीम हाउसिंग बोर्ड ला रहा था वो सफल भी हो रही थी। तो ये थोड़ी सी चुनौती है कमिश्नर पवन अरोड़ा के सामने के बदले हालातों में एक बार फिर उनको हाउसिंग बोर्ड के काम को पटरी पर लाना है, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जिस तरीके की उनकी प्लानिंग है, जहां चुनौतियां सभी के सामने है, जो बदला परिवेश है उसमें चीजों को बैलेंस करने की जिम्मेदारी सभी के सामने है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ऋतुराज शर्मा भी लगातार जुड़े हुए। ऋतुराज मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ, क्या जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी भी लोगों के बीच, हालांकि सरकार ने तो कह दिया कि रियायत मिलेगी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर में, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंफ्यूजन है वो अभी बरकरार है, उस असमंजस को कैसे सरकार दूर करेगी, कैसे प्रशासन के अधिकारी दूर करेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए असमंजस इसलिए है, इस बात को लेकर था कि पहले जो आदेश जारी किए थे कार्मिक विभाग ने, ठीक है मैं आपके पास आऊंगी। आवासन मंडल के चेयरमैन पवन अरोड़ा हैं, हाउसिंग बोर्ड आपको लेकर चलती हूँ, शिवेंद्र वास से जुड़े हुए। शिवेंद्र बताएं। देखिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं एक बार और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कितने सिस्टमेटिक तरीके से आज हाउसिंग बोर्ड का जो कार्यालय है वो शुरू हुआ है। यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी है, मास्क की व्यवस्था है, बकायदा सभी का तापमान चेक किया जा रहा है। हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं। सर बड़ी अच्छी शुरुआत की है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल कोई प्राइवेट ऑफिस है। हम देख रहे हैं तापमान भी जाँचा जा रहा है, मास्क भी दिए जा रहे हैं और मुफ्त में सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। देखिए ये जो महामारी का समय है तो इस समय सुरक्षा ही बचाव है बेसिकली। तो यदि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो औरों को कैसे बचाव दे पाएंगे, औरों को अपनी सेवाएं कैसे दे पाएंगे। तो हमने राजस्थान हॉस्पिटल से आग्रह किया था कि वो अपना स्टाफ यहाँ भेजें। आप देख रहे हैं टेम्परेचर गन है इनके पास में, तो एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जाए सारे स्टाफ की,
ताकि कई बार लोगों को मालूम नहीं चल पाता है, लक्षण भी कई बार आजकल बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो सबको मालूम चल जाए, एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जाए, उसके बाद ही लोग अंदर जाएं, सुरक्षित वातावरण में रहें। और सभी को एक एक हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल हम फ्री दे रहे हैं और इसको आगे भी देते रहेंगे, जैसे जैसे खर्च होती जाएगी और देते रहेंगे। और डेली 2 मास्क हम प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को देना चाहेंगे और सब में एक जागरूकता का माहौल आप देख रहे हैं, सभी ने मास्क लगा रखा है, सभी खुद ही जागरूक हैं। और हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी तो कोरोना वॉरियर्स की तरह ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो जिला प्रशासन में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, खासतौर से रामगंज और बाकी इलाकों में खाद्य सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा नायला और महला में जो क्वारंटाइन सेंटर्स डेवलप हम कर रहे हैं उसमें हमारी काफ़ी बड़ी टीम लगी हुई है और वो मैं समझता हूँ एक्चुअल कोरोना वॉरियर्स की तरह ही वहाँ पर काम कर रहे हैं। और बहुत कम समय में उन्होंने वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर्स को तैयार करने का चैलेंज जो है वो लिया है और वो काम भी अब लगभग पूरा होने को है। सर, आप और आपकी टीम काम तो काफ़ी दिनों से कर रही है, आपको भी हमने देखा महला में, नायला में जो क्वारंटाइन सेंटर्स बन रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि आज से दफ्तर आपका विधिवत शुरू हुआ है मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत, कुछ लोग भी आज आए हैं, तो किस तरीके से काम सर आगे बढ़ेगा उसके? देखिए, अभी तो एक तरह से यूँ कहिए कि जो इतने दिन का गैप था, लगभग 30 दिन बाद आज दफ्तर खुल रहे हैं, तो पुराना घर संभालने वाली बात जैसे होती है वैसा ही रहेगा, क्योंकि अभी स्टाफ जो 33% स्टाफ आना था उसको आज अभी रोका गया है। और मैं समझता हूँ वो वक्त के हिसाब से जयपुर में कम इसकी ज़रूरत भी है, जयपुर, कोटा, जोधपुर, इन जगहों पे थोड़ा फैलाव संक्रमण का ज़्यादा है, तो अभी यहाँ स्टाफ का नहीं आना ही बेहतर है, क्योंकि सब अलग अलग इलाकों से आते हैं। तो जो भी अधिकारी आएंगे वो बेसिकली अपना पुराना जो बचा हुआ काम है उसको संभालेंगे, और साथ ही जो हमारी रुकी हुई योजनाएँ हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए हैं या जिन योजनाओं की क्रियान्विति अभी थोड़ा स्थगित चल रही है, उन पर अपना मंथन करेंगे और उनकी कार्य योजना बनाएंगे, ताकि जैसे ही लॉकडाउन पूरी तरह से खुलता है, हमें लेबर मिलना शुरू हो जाती है और व्यवस्थाएं या सामग्री का आवागमन शुरू हो जाता है, तो हम एकदम उन कार्यवाहियों को शुरू कर सकें, नए नए शिलान्यास कर सकें, नई नई योजनाओं पे काम द्रुत गति से आगे बढ़ा सकें। उसी में सर मेरा सवाल था कि जब लॉकडाउन हुआ था राजस्थान में, जब एक बहुत शानदार यात्रा की ओर था हाउसिंग बोर्ड, अब थोड़ी सी गति रुकी, तो आप चुनौती मानते हैं सर दोबारा? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में थोड़ा सा ये 30-35 दिन का अगर स्थगन आ भी गया है तो हमारे कार्रवाई पे कोई ज़्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे टेंडर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, हमने टेंडर्स की डेट ऑलरेडी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दी है, और जैसे ही ये स्थितियाँ सामान्य होती हैं, लेबर का अवेलेबिलिटी होती है, तो हम वर्क ऑर्डर इशू करके इसको फटाफट काम कराएंगे। और फिर आप जानते हो ये तो एक शिफ्ट की बजाय हम 2 शिफ्ट में काम कराएंगे, तो हम उसको कवर अप कर लेंगे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, वील कवर इट अप। एक आखिरी सवाल, और वैसे तो सर आपकी टीम के साथ आप लगातार संवाद करते रहते हैं व्हाट्सएप से, फर्स्ट इंडिया के जरिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे प्रदेश में जो हाउसिंग बोर्ड का स्टाफ है इस समय में? मुझे गर्व है अपनी पूरी हाउसिंग बोर्ड की टीम पर, बहुत ही जुझारू टीम है मैं कहना चाहूँगा। हाउसिंग बोर्ड के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं पिछले 6-8 महीने से देख रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत ही जुझारू हैं, जो चैलेंज मिलता है, जो टास्क मिलता है, उसको दिल लगा करके पूरा करते हैं, समय पे पूरा करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अपना बचाव भी रखिए, जैसे आपको एयर जर्नी के दौरान कहते हैं कि यदि ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले स्वयं मास्क पहन के खुद को कंफर्टेबल करें, फिर आप दूसरे की मदद करें, तो खुद सुरक्षित रहें और फिर दूसरों को सुरक्षा भी दें और विकास में भी योगदान दे। देखिए, ये हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा जिन्होंने अपनी टीम की तारीफ की है, क्योंकि सच में बीते दिनों ने जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड की टीम काम कर रही है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाओं की बात हो या कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में राशन सामग्री की बात, उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की टीम में भी उनके लोग हैं हाउसिंग बोर्ड के, वो काम कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश में जो हाउसिंग बोर्ड की टीम है उस पर गर्व जताया है कमिश्नर साहब ने, और कहा है कि पहले खुद की वो सुरक्षा सुनिश्चित करो। आप देखिए जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड के मुख्य द्वार पर, जो मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा रहा था दीपा, कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रवेश दिया जा रहा है, खुद कमिश्नर पवन अरोड़ा की भी स्क्रीनिंग हुई है, उनका तापमान जांचा गया है, और अब वो हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, और उसके बाद तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अंदर पहुंचेंगे। तो आज मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत तमाम जो ऑफिस खुल रहे हैं उनमें हाउसिंग बोर्ड भी एक दफ्तर है दीपा, जहां आज से काम शुरू हो रहा है, और कोशिश यही है कि जैसा कमिश्नर साहब ने कहा कि जो थोड़े दिनों में गति रुकी है बीते 20-25 दिनों में, आज वो उस गैप को संभालने की कोशिश करेंगे, और कमिश्नर साहब के पहुँचने के बाद अब हो सकता है जो रूटीन मीटिंग वो हमेशा करते थे मॉर्निंग मीटिंग वो शुरू हो, लेकिन सरकार की भी इसके पीछे मंशा यही है।